बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या सैयदी या हबीबल्लाह। मैं हूं नवीद यूसुफी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी मंडी ऑनलाइन और फेसबुक पेज प्रॉपर्टी मंडी ऑनलाइन। आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं अपने मुअज़्ज़ज़ क्लाइंट्स के लिए। मुझे एक ज़रई ज़मीन की ज़रूरत है। जो ज़रई ज़मीन ज़रूरत है उसकी डायमेंशन, उसकी जो सिचुएशन है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिस साहब ने भी वो ज़मीन सेल करनी हो, आपके पास हो, तो आप मुझे ये मेरी चंद गुजारशात समाअत फरमा लीजिएगा। इसको मद्देनज़र रखते हुए आप मुझे तफसील सेंड करेंगे। सामने मेरा नंबर व्हाट्सएप आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप अपनी ज़मीन की तफसील सेंड कर दें अगर आप अपनी ज़मीन के खुद मालिक हैं तो। ज़मीन हमें ज़रूरत है ज़िला बखर, तहसील मनकेरा, और इसके गिर्दो नवा में जो तहसील चुबारा या दूसरी ऊपर तहसील लगती है खुशाब की, जिसके अंदर से ग्रेटर थल कैनाल गुजरती है जो कि जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में बनाई गई थी। उस नहर की का जिसको पानी मंजूर है या लग रहा है वो ज़मीन चाहिए। और थोड़ी सी और बात समाअत फरमा लें, ज़मीन ऐसी हो जिसका सरकारी रास्ता हो, पुख्ता सड़क के ऊपर हो या नहर के किनारे पर हो या खाल का पहला नक्का हो। अच्छी लोकेशन की खूबसूरत ज़मीन चाहिए और ज़मीन कम से कम 40 से 60 एकड़ के दरमियान चाहिए। 40 एकड़ से ज़्यादा होनी चाहिए, 60 एकड़ से कम होनी चाहिए। जो ज़मीन आबाद की गई है, कुछ ज़मीन गैर आबाद भी होती है, साफ़ थल की ज़मीनें सारी आबाद मुश्किल होती हैं। कुछ ज़मीन आबाद और कुछ गैर आबाद जिसमें किसी में बाग लगा हो, किसी में डेरा बना हो, ऐसी ज़मीन जो अच्छी ज़मीन है ग्रेटर थल कैनाल के ऊपर जो अच्छी ज़मीनें हैं वो चाहिए। और अंदर जो कच्चे में है, कच्चे रास्तों पे है, जो टीलों के ऊपर से गुजर के जाने वाली हैं वो नहीं चाहिए। ऐसी कुछ ज़मीन आपके पास है, आप सेल करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप तहसील, ज़िला, मौज़ा कौन सा है, कंप्यूटराइज रिकॉर्ड है, अगर कंप्यूटराइज नहीं तो कम से कम इस्तेमाल शुदा मौज़ा होना चाहिए, मुश्तरका और शामलाट मौज़े में ज़मीन ज़रूरत नहीं है। जिस भी भाई के पास ज़मीन हो, अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हैं तो सिर्फ इतना ना लिखें कि मेरे पास है और फिर हाय कर देते हैं मैं मदद खा हूँ। आप मुकम्मल तफसील बता दिया करें जो भी आपके ख्याल आता है। अगर आपको ज़मीन ज़रूरत है तो सबसे पहले आप अपना बजट बताएं कि मेरा इतना बजट है। बेशक आपके पास अरब रुपया हो लेकिन आप गाड़ी लेते वक्त सोचते हैं कि मैंने 10 लाख वाली लेनी है, 50 लाख वाली लेनी है, ज़मीन लेनी है तो कितने वाली लेनी है, ये हर इंसान फैसला करता है। तो उस बजट के अंदर रहते हुए तो आप मुझे बताएंगे कि मुझे इस बजट के अंदर ज़मीन चाहिए, इस ज़िले में चाहिए, ठीक है ना। तो बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि सस्ती तरीन चाहिए, सस्ती तरीन भी बता दिया करें कि क्या रेट हो तो उसको आप सस्ता तरीन समझेंगे, ठीक है ना। हम जो भी रेट बताएंगे तो आप कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा है। मकसद है कि ऐसा भी हुआ कि हमने जो मार्केट का रेट है उससे बहुत कम रेट ही बताया, क्योंकि बहुत सारे ज़रूरतमंद लोग होते हैं कि जो सस्ती ज़मीन बेचना चाह रहे होते हैं, उनको करंट पेमेंट चाहिए होती है। तो हम जब कहते हैं कि ये ज़मीन बिक रही है तो ख़रीदार कहते हैं नहीं नहीं इससे भी सस्ती होनी चाहिए। तो फिर आप ये बता दिया करें कि भाई सस्ती तरीन हो तो किस रेट में हो, तो अगर हमारे पास होगी तो हम आपको ज़मीन बता देंगे। अदरवाइज आप चैनल को देखते रहें, इसके ऊपर बेशुमार ज़मीनें मौजूद हैं, पूरे पंजाब के मुख्तलिफ अजला की ज़मीनें मौजूद हैं इसके ऊपर। आधी ज़मीनें ऐसी हैं जिनके मुकम्मल एड्रेस भी हैं, मालकों के नंबर भी हैं। जो ज़मीन सेल हो जाती है हम उसके ऊपर लिख देते हैं कि ये ज़मीन सेल हो गई है। हम अपने व्यूअर और अपने सब्सक्राइबर को जो सर्विस दे रहे हैं वो 100% अपने ताई हम कोशिश करते हैं कि वो बात हर बात सच्ची हो। बाकी इंसान है, गलतियां तो हो जाती हैं, हमसे भी गलतियां होती हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आपके साथ झूठ ना बोला जाए, आपके साथ धोखा ना किया जाए, आपका टाइम ना ख़राब किया जाए। तो हम चाहते हैं कि हमारा भी टाइम ना ख़राब किया जाए। अगर आप संजीदा हैं, ख़रीदार हैं, तो फिर आप अगर हम पर एतमाद करेंगे तो हम आपका लाखों रुपये का टाइम और लाखों रुपये का फ्यूल जो आपने पूरे पंजाब में ज़मीनें देख देख कर ढूंढ ढूंढ कर अपने ज़ाया करना है, वो थोड़े से पैसे में हम आपका टारगेट पूरा कर सकते हैं। क्योंकि हमारा एक नेटवर्क है और इस नेटवर्क के ज़रिए हम आपको सर्विस दे सकते हैं। अदरवाइज़ तो हम भी नाकारा आदमी हैं, हम भी कोई तीस मार खान नहीं है, एक अदना से आदमी हैं।
लिहाजा अगर आपके पास ये ज़मीन है जो रिक्वायरमेंट मैंने की है, तो इस इलाके में आपके पास कोई भी ज़मीन हो तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर डिटेल सेंड करें और मुकम्मल तफसील दें, फिर मैं आपके पास हाजिर हूँगा, उसको देखेंगे और साथ में आपने अपना मुकम्मल तारफ ज़रूर सेंड करना है। मैं अननोन बंदे के पास ज़मीन देखने के लिए नहीं जाता, तो मैं जिसके पास जाऊँगा तो मुझे पता होना चाहिए कि कौन साहब है, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं। तो इंशाल्लाह मैं अपना बंदा भेजूंगा या मैं खुद आऊंगा, उन ज़मीनों को विजिट करूंगा, उनकी सारी जांच पड़ताल करूंगा। अगर मेरे क्लाइंट के माइंड के मुताबिक आपकी ज़मीन हुई तो आपका टाइम नहीं ख़राब करेंगे, आपको मुनासिब जो आपकी मार्केट रेट होगा वो आपको पेमेंट दिलाएंगे। नकद पेमेंट के लिए, नकद पैसों वाली पार्टी मेरे पास, मेरा क्लाइंट है, उसके लिए मुझे ज़मीन ज़रूरत है। प्रॉपर्टी मंडी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसकी बेल आइकन को दबा दें। अगर आप ज़मीन देना चाहते हैं या ज़मीन लेना चाहते हैं तो इससे बेहतर कोई चैनल आपको कहीं मुयसर नहीं होगा। मुल्तान शहर में कोई भी बंगलो लेना चाहते हैं, प्लाजा लेना चाहते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं, तो मेरे पास बेशुमार प्रॉपर्टियाँ मौजूद हैं। इसी मेरे फेसबुक पेज को और इसी मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, विजिट करेंगे तो आपको आपकी मर्जी की प्रॉपर्टी इंशाल्लाह मिल जाएगी। प्रॉपर्टी मंडी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल से और फेसबुक पेज से नवीद यूसुफी, मुल्तान सिटी से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह के बाद।